हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्षा। कुकिंग सुकिंग विद अर्षा में आपका स्वागत है। चलिए किचन में चलते हैं। तो चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जो दरदरी लाल मिर्च आती है मैं वो लूंगी एक चम्मच भरकर। उसमें एक चम्मच मैदा डाल देंगे। तो इसमें एक चम्मच चावल का आटा डाल देंगे और एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आप आरारोट भी डाल सकते हो। और इसमें एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। चलिए सबको मिक्स कर लेते हैं। पानी डालकर, नमक तो डाला ही नहीं, और इसमें नमक डाल देंगे आधा चम्मच तक। और पानी डालकर इसका एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे, गाढ़ा गाढ़ा। इसका घोल याद रखना पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। बहुत पतला हो जाएगा तो फिर वो इतना क्रिस्पी नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और गाढ़ा रखेंगे। घोल के हो गया। इसमें फाइनली अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप नहीं खाते हो तो मत डालिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसलिए डालते हैं। और हमारा घोल बनके तैयार हो गया है। चलिए इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, पतले पतले इस तरह से काट लिए हैं। ये देखिए, इसी तरह से पतले पतले काटने हैं, ज़्यादा मोटे मत काटिएगा वरना ये पकने में टाइम लगेगा। वैसे तो एक इसकी ब्लेड आती है उससे कट करेंगे तो डिजाइनदार बनता है, कोई ज़रूरत नहीं डिजाइनदार बनने की, ऐसे में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे इसमें और कोटिंग कर देंगे इसका। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।